गाइस यहां पर पहली बार मैं पबजी मोबाइल से जो है निराश हुआ हूं, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, अब जो 0.16.0 का अपडेट आने वाला है, पबजी ने सीधा सीधा मैं बोलूंगा फ्री फायर की जो है कॉपी की है। और वो कॉपी कैसे की है मैं आपको बता दूं, जैसे फ्री फायर के अंदर मैंने दोस्तों पबजी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 400 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं पबजी के दुनिया भर में। 400 मिलियन मतलब कि 40 करोड़ यूजर हैं दोस्तों पबजी मोबाइल के। आप सभी को ये भी बता दूं दोस्तों कि ये एक ऐसा गेम जो फ्री फायर खेलते हैं वो लाइक करो एंड जो पबजी खेलते हैं वो कमेंट करो, हम देखना चाहते हैं कौन सी गेम ज्यादा चल रहा है। बंदा 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 आगे 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 पीछे पीछे पीछे। अरे मत खेल इतना पबजी, लोग मर रहे हैं इससे। अरे एक आध लोग पबजी में मर गए तो पूरी दुनिया को दिख रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि पबजी मत खेलो, लोग मर रहे हैं। भाई बस पबजी वाले गेम की ना जीबी ज्यादा है, क्योंकि अगर दिमाग ज्यादा होता तो उस टूटे हुए प्लेन को अभी तक ठीक करवा लेते। और रही बात मोड की, तो आधा से ज्यादा पबजी प्लेयर के फोन में इस एंगल से ज्यादा दूसरा कोई मोड डाउनलोड ही नहीं कर रहा होता है। लो जी ले देखे, 1 मिलियन फॉलोवर्स हो ही गए हमारे भी। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। वे पहले पूरी बात तो सुन ले खाला, ऐसा सपना आया था रात मुझे। यार पबजी के ग्राफिक्स यार फ्री फायर से कितने तगड़े हैं भाई, ऊपर से 3 GB का गेम। जितना भाई इनका पबजी वालों का एक मैप है यार, उतने का हमारा पूरा गेम है भाई। लेकिन यार फिर भी ये प्ले स्टोर पे आता है नंबर 2 पे। आपका फेवरेट गेम पबजी एक बार फिर कोर्ट के कटघरे में खड़ा है। ये बैन हो सकता है, पूरे इंडिया से पबजी का नामो निशान हट सकता है। मामला है चंडीगढ़ का दोस्तों, जहां पर एक वकील ने PIL फाइल की है। पबजी क्या लगा रखे हो, मतलब एक तो तुम प्रोन होकर सारा टाइम खेलते हो, ऊपर से लास्ट जोन में जाने के लिए स्नैक होकर घुसते हो, तो इससे क्या पता चलता है, इससे साफ पता चलता है कि तुम लोग नूबड़े हो। और फ्री फायर में मैं मानता हूँ क्लोज फाइटिंग का बादशाह, जो पबजी प्लेयर की बस की बात नहीं है। और अगर बाय चांस ये हमारे स्क्वाड के साथ एक मैच खेल भी लेना तो इसकी पैन की। जिसके पास स्किल्स है उसके पास अच्छा फोन या इंटरनेट नहीं है, वही जिसके पास अच्छा फोन है वो बस सांप बने घूम रहा है, जिसे रॉयल पास लेना है वो कंगाल है, और जो माला माल है वो बस सुपर चैट पे सुपर चैट किए जा रहा है। पबजी खेलने वाले जरा कान खोल कर सुने, आगरा में दोस्तों एक ऐसी घटना हो गई है जिसे हम दर्दनाक कहें कि शर्मनाक कहें कि बेवकूफी भरी घटना कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों ट्रेन चलती ट्रेन में पबजी खेलते हुए 20 साल का एक युवक इतना ज्यादा लीन हो गया पबजी में कि वो एक केमिकल भरी बोतल को पानी समझ कर पी गया और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। उसके सामने एक आदमी बैठा था जो कि एक ज्वेलर था, वो ज्वेलरी पॉलिश करने वाला केमिकल अपने बैग में रखा था, और यादव दोस्तों 20 साल का उम्र था जिसका वो पबजी खेल रहा था, उसी में लीन था, और उसने पानी समझकर वही केमिकल पी लिया और दोस्तों कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी चीज को अपने ऊपर इतना ना हावी होने दीजिए, एडिक्शन में ना जाइए कि बाकी दुनिया का अता पता ही ना रहे। अभी इस हादसे में पबजी की गलती थी कि उस आदमी की गलती थी, कमेंट करके आप बताइए मुझको। भाई इतना बताना पबजी वाले फास्ट है या फ्री फायर वाले फास्ट है, जा रहे उधर 3-2-1। सुनो पबजी वालों, अगर पबजी बैन भी हो जाए ना तो फ्री फायर इंस्टॉल कर लेना, पहले पहले 1-2 महीने जितने दूंगा, बाद में तुम लोग ये सदमे में रह जाओगे
कि यार अनजाने में बाप। अरे कुछ लोग कहते हैं आई हेट पबजी, अब उन पागलों को क्या पता, कई दिल टूटे लोगों को संभाला है पबजी ने। क्या रे फ्री फायर वाले पबजी वाले को तुम नूब कहते हो? माना कि वो लोग छुप छुप के खेलते, माना कि वो लोग छुप छुप के रैंक पुश करते, माना कि वो लोग हैकर रहते, पर दिल के नूब रहते नूब। फ्री फायर वालों ने गूगल पे सर्च किया कि पबजी वालों को काबू में कैसे किया जाए, तो कुछ मिनट बाद गूगल से ये जवाब आया, औकात में रह के सर्च क्या करो क्योंकि पबजी वाले तुम्हारे अरे पबजी वालों, जितना पैसे का तुम्हारा फोन है ना, उतने पैसे का हमारे फ्री फायर वाले महीनों में टॉप अप करते हैं। तो यार ज्यादा औकात औकात मत करो, तुम्हारा औकात और हमारा टॉप अप सेम है। आपको पता है हाल ही में एक बंदे ने अपना PUBG अकाउंट 21,23,000 रुपए बेचा है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप भी अपना PUBG अकाउंट अपने स्किन्स और BPs के साथ सेल कर सकते हो, किस पर? G2G और प्ले एक्शन वेबसाइट्स पर। आप PUBG में ऑनलाइन टूर्नामेंट्स सोलो डुओ और स्क्वाड में खेल सकते हो और विनर को एक अच्छा खासा कैश प्राइज मिलता है। और अभी दुनिया भर में YouTube पर जो वीडियो सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं वो है PUBG के गेम प्ले, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो और अपने PUBG गेम प्ले के वीडियोस YouTube पर अपलोड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हेलो गाइस, PUBG वालों को एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनो भाई। तुम लोग दूसरे कदम पर क्यों खेलते हो, हर वक्त बोलते रहते हो, डायनामो का नाम सुना, मोर्टल का नाम सुना। अरे भाई खेलना है तो खुद के दम पर खेलो ना, दूसरे का नाम क्यों ले रहे हो यार। अगर PUBG इंडिया में बनी होती तो सोच के देखो, कुछ चीजें बिल्कुल ही अलग होती। नहीं मैप के नाम कैसे होते, मीरामार होता राजस्थान, इरेंगल होता अपना दिल्ली है, विकेंडी होता शिमला, और भाई सैनोक होता अपना मेघालय। और भाई एनर्जी ड्रिंक की जगह पता क्या होती, चाय, क्योंकि चाय जब तक हम फ्री फायर मत कर, PUBG में आकर देख सबको जिंदा गाड़ देते हैं। ज्यादा फ्री फायर मत कर, PUBG में आकर देख सबको जिंदा गाड़ देते हैं। अगर ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो ओम में बिना स्कोप लगाए लेवल 3 का हेलमेट फाड़ देते हैं। अगर मारने पे आ जाए ना तो पिस्टल से ही पूरा स्क्वाड मार देते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नो 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 नो। एक बात बिल्कुल सच बताना, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। PUBG में आज तक हाईएस्ट कितने बंदे किल किए हैं? भाई मैं अपना बताऊं, मैंने तो आज तक केवल 6 बंदे हाईएस्ट किल किए हैं, लेकिन चिकन डिनर तो आज तक हुआ ही नहीं। क्या आपने कभी चिकन? आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ये लड़की पागल है। आ गई माल, आ गया, आ गया, आ गया। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान? खेलना है तो PUBG खेलो, फ्री फायर में क्या रखा है? घंटा रखा है PUBG में, सब तो लुकते हंटते हैं। फ्री फायर में आके दिखाओ, घुस के मारेंगे। चोर जो पुल पे आके दिखाओ, बिग पे आके दिखाओ, चिमकांडी लो। मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ। मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ, और ये शोफ वाले जरा मुझसे दूर रहें। मैं ब्रांडेड चीजें नहीं, ब्रांडेड सोच रखता हूँ। भाई इंडिया में 3 ही लोग ने सबसे ज्यादा तरक्की की है। कौन से? टिकटॉक, पबजी, फ्री फायर। अरे बाप रे, टिकटॉक वाले बॉलीवुड में फिल्म स्टार बन गए। हाँ भाई, पबजी वाले आधे तो आर्मी में चले गए। चले भी गए। और फ्री फायर वो नूब है? वो नूब नहीं है रे, सबसे ज्यादा काम उनने अच्छा किया है। नो 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 नो। सर दर्द होने पर गला दबाने की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करो तो बात बदल दिया करते हैं। रोते जो देखे तुमको तो तुरंत हंसा देते हैं। हर बंदे के पास कुछ इतने ही खास दोस्त हुआ करते हैं।